गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ हमारे भारतीय जनता के चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा आज कुछ खाना खबरों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंद बहाल EMCL कंपनी में तालचेर के एक ट्रक मालिक अपना ट्रक काम के लिए लगाए थे। काम खत्म होने के बाद करीब 1.5 महीने का सैलरी ड्राइवर्स और हेल्पर्स को नहीं दिया गया। इसे लेकर कंपनी के सामने ड्राइवर्स की ओर से विरोध किया गया। हाउसिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी ब्रजराज नगर का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का समीक्षा किए। श्रम मंत्री शरद नायक और ब्रजराजनगर विधायक का अलका महंती बिलपहाड़ नुआबंद में OTDC की ओर से निर्मित हुए पंथ निवास का दौरा कर इसके विकास कार्यों को लेकर चर्चा किए। झारसा टाउन स्थित जिला संस्कृति भवन में मो अधिकार मो सेवा ट्रस्ट की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। झारसुड़ा मेन हॉस्पिटल में एक मरीज को मुलाकात करने आए एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो जाने को लेकर एयरपोर्ट थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। सदर थाना अंतर्गत BTM में स्थित माँ तारिणी ज्वेलरी से सोने की गहने चोरी कर लेने की शिकायत होने के बाद 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सूचना मिली। सदर थाना अंतर्गत BTM में रहने वाले प्रमोद की पत्नी की लटका हुआ लाश पुलिस ने उद्धार किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अधिकारी तिलिया सेवा समवाय समिति का दौरा कर विभिन्न विषयों पर चर्चा किए। बिकमपल्ली कल्याण मंडप में निर्माण श्रमिक कल्याण योजना सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर 500 श्रमिकों को श्रमिक कार्ड और 184 को सहायता प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री शरद नायक और ब्रजराजनगर विधायक अलका महंती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। जिला जोगान सहायक संघ की ओर से अपने 6 पॉइंट मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा गया है। जिला आयन सेवा प्राधिकरण कार्यालय में लॉयर्स के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।